हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो जैसा कि हम आप लोगों के साथ 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से अपन ने इसको सफलतापूर्वक ख़त्म भी किया। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का आपका पार्चुरेशन। तो आज हम आप लोगों के साथ 5 से 10 मिनट डिस्कस करेंगे पार्चुरेशन, ठीक है? तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले पार्चुरेशन। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग पार्चुरेशन, ठीक है? तो अब पार्चुरेशन क्या होता है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होता है, यूट्रस है, जैसा कि ये यूट्रस है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से, यूट्रस की ये जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, एंडोमेट्रियम लेयर से बाया प्लेसेंटा, एंडोमेट्रियम वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी अटैच था। एंडोमेट्रियम के थ्रू बेबी अटैच था, एंडोमेट्रियम में प्लेसेंटा के थ्रू बेबी अटैच था। एंडोमेट्रियम के थ्रू बेबी अटैच था। अब ये इसका 9 मंथ, जैसे ही 9 मंथ बेबी का कंप्लीट होता है, तो बेबी का 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, यहां कंप्लीट होने के बाद उसका होगा पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी। पार्चुरेशन मतलब क्या, यहां होगा डिलीवरी। तो जब डिलीवरी होता है तो इस टाइम पे क्या होता है, तो डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा, तो जो प्लेसेंटा का यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट था वो लूज हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लेसेंटा ब्रेक टू वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा लूज हो जाएगी। और उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट ओसिन हार्मोन सिक्रीट होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टार्ट कॉन्ट्रिक्शन इन यूट्रस मस्कुलर लेयर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, यूट्रस की मस्कुलर लेयर में कॉन्ट्रिक्शन, मतलब जहां से ये बेबी अटैच है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल सिक्रीशन कम हुआ, तो प्लेसेंटा इसकी वॉल से ब्रेक हो जाएगी। सेम उसी टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से या एंटीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? सिक्रीट से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और उसी टाइम पे जैसे यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो सेम उसी टाइम पे क्या होगा,
इसके ओबरी और प्लेसेंटा के, ओबरी एंड प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा। कौन सा हार्मोन? हार्मोन सिक्रीट होगा, है ना, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे कौन से, सेम उसी टाइम पे इसके ओबरी और प्लेसेंटा, ओबरी और प्लेसेंटा से, ओबरी और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो अपना पैल्विस गर्डल होता है, तो पैल्विस गर्डल के प्यूबिस सिंफाइसिस वाले पार्ट को ये क्या करेगा, जो पैल्विस गर्डल है, तो पैल्विस गर्डल के प्यूबिस सिंफाइसिस वाले पार्ट को, प्यूबिस सिंफाइसिस वाले पार्ट को लूज कर देगा, है ना। तो पैल्विस गर्डल के प्यूबिस सिंफाइसिस वाले पार्ट को लूज कर देगा। इस वजह से जैसे ही पैल्विस गर्डल का प्यूबिस सिंफाइसिस वाला पार्ट लूज हुआ, तो क्या होगा, पेक्टोरल गर्डल ओपन होने लगेगा। पेक्टोरल गर्डल ओपन होगा तो एम्ब्रियो को कंप्लीट, तो एम्ब्रियो को सफिशियंट स्पेस मिल जाएगा बाहर आने के लिए बायर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पेल्विस गर्डल, पेल्विस, जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, तो रिलैक्सिन हार्मोन के वजह से प्यूबिस सिंफाइसिस लूज हो जाएगा। और जैसे ही प्यूबिस सिंफाइसिस लूज होगा, तो एम्ब्रियो एम्ब्रियो आउटसाइड टू यूट्रस बायर डिजाइन है। क्यों? क्योंकि इसको क्या मिल जाएगा, सफिशियंट स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, इसको सफिशियंट स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गर्डल ओपन हो जाएगा, तो इसको सफिशियंट स्पेस मिल जाएगा, जिस वजह से एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा। तो जैसे ये एम्ब्रियो अटैच था, तो अब क्या होगा, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हुआ। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट। थर्ड स्टेप में यहाँ पे जो प्यूबिस सिंफाइसिस था, थर्ड स्टेप में ये यहाँ पे जो प्यूबिस सिंफाइसिस था, जो प्यूबिक सिंफाइसिस था, ये लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वजाइना ज़्यादा ओपन हो जाएगा और इम्ब्रियो इजिली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पार्चुरेशन। समझिए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन, सबसे पहले क्या हुआ, फिर से समझिए, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ, कहाँ से, प्लेसेंटा से सिक्रेट हो रहा था, तो जैसे 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होते ही प्लेसेंटा बाहर निकल, मतलब ब्रेक होने लगेगा। जैसे प्लेसेंटा ब्रेक होगा, सेम उसी टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होगा। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होगा, जो कि यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो एक रिलैक्सिन हार्मोन जो कि प्लेसेंटा और ओबरी से सिक्रेट होगा, तो ये जो अपना पेक्टोरल पेल्विस गर्डल होता है, पेल्विस गर्डल में जो प्यूबिस सिंफाइसिस है, उसको थोड़ा सा लूज कर देगा। जैसे प्यूबिस सिंफाइसिस लूज होगा, तो एम्ब्रियो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यूट्रस से बाहर निकल जाएगा बाया वजाइना। तो ये हमारा केस क्या कहलाता है, पार्चुरेशन। अब हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों से गैस्ट्रेशन। तो हेडिंग गैस्ट्रेशन पीरियड, तो गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है, तो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। फर्टिलाइजेशन टू बर्थ मतलब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का टाइम हमारा होगा गैस्ट्रेशन पीरियड। नॉर्मली यदि हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन का गैस्ट्रेशन पीरियड 9 मंथ 7 डेज होता है। क्या होता है, 9 मंथ 7 डेज होता है। तो ह्यूमन में यदि हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की, यदि हम ह्यूमन में बात करें एक्स
डेट ऑफ डिलीवरी, यदि हम ह्यूमन में डेट ऑफ डिलीवरी की बात करें कि यदि आप ह्यूमंस में ये बता सकते हो नॉर्मली कि कितने दिन बाद डिलीवरी होगी, तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 28, 7, 14, 21, 28 डेज का यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो इसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो फर्स्ट डे है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट डे से 9 मंथ 7 डेज आप ऐड कर दीजिए, बोल सकते हो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लास्ट फर्स्ट डे ऑफ, लास्ट फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस 9 मंथ 7 डे। यदि आप इतना जोड़ देते हो तो ये होता हो जाएगा गैस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमन, ये हो जाएगा ह्यूमन का गैस्ट्रेशन पीरियड। यदि हम सेकंड देखें, सेकंड नंबर हम यहाँ पे गैस्ट्रेशन पीरियड बात करेंगे रैबिट का, यदि हम बात करें रैबिट का गैस्ट्रेशन पीरियड, तो रैबिट का गेस्टेशन पीरियड 28 to 30 डे होता है। यहाँ पे मैं रैबिट में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि रैबिट का है तो बर्थ से 1 to 4 डे तक, 1 to 4 डेज तक इनका जो बेबी होता है, इनका जो बेबी होता है वो ब्लाइंड होता है, साथ में अनऑडिबल, मतलब कि वो अंधा भी होता है, उसको दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता रैबिट के। ठीक है, तो ये हो गया गेस्टेशन पीरियड इन रैबिट। गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो रैट का गैस, यदि हम रैट के गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो इसका होता है 22 डे, है ना, 20 से 22 दिन रैट का होता है गेस्टेशन पीरियड। तो ये हो गया हमारा गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, एग्जाम में आते हैं कभी कभी, ह्यूमंस का भी आता है, रैबिट का भी आता है, रैट का भी आता है। तो ये हो गया हमारा पार्चुरेशन एंड गेस्टेशन पीरियड। हमारे हिसाब से अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि कुछ चीज़ें बच गई हैं तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको नया लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। कुछ भी डाउट हुआ या कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग कुछ बता सकते हैं। ठीक है।